गरीब बेटी का लैपटॉप गिफ्ट। विलासपुर में विन्नी नाम की गरीब लड़की रहती थी। वो पढ़ाई में बहुत होशियार थी। एक दिन स्कूल में उसके टीचर, डियर स्टूडेंट्स, कल से आप लोगों के कंप्यूटर क्लासेस शुरू हो रहे हैं, इसीलिए सब लेटेस्ट लैपटॉप खरीद लेना। कोई लेकर नहीं आए तो जानते हो ना, मैं पनिशमेंट दूंगा। यूं कहने से सारे स्टूडेंट्स ओके सर ओके कहकर निकल गए। रास्ते पर जाते हुए विन्नी से सुजी, क्यों विन्नी, कल तक तुम लैपटॉप खरीद कर ला पाओगी? तुम्हारे घर पर खरीदेंगे क्या? पता नहीं सुजी, दरअसल लैपटॉप कितने का होगा? 100 रुपए में आ जाएगा क्या? मुस्कुराते हुए सुजी, 100 रुपए में लैपटॉप? मेरे सामने तो बोल दी, किसी और के सामने मत बोलना, सब हंसने लगेंगे। बच्चों का खेलने वाला लैपटॉप खिलौना भी नहीं आता उतने में तो। अच्छा लैपटॉप तो कम से कम 50,000 रुपए का होगा। बाप रे 50,000 रुपए, उतने पैसे होते तो हम बारिश में भीगने वाले हमारे घर की छत का मरम्मत ही करवा लेते। जितना मुझे पता है मेरे घर पर खरीद कर कोई नहीं देगा रे। ठीक है विन्नी, मैं तो आज ही पापा के साथ जाकर एक अच्छा सा लैपटॉप खरीदूंगी। चाहो तो तुम भी मेरे लैपटॉप में काम कर लेना। ओके ओके सुजी, कहकर दोनों अपने अपने रास्ते निकल पड़े। विन्नी उनके घर पर उसके माता पिता से, पापा मुझे एक लैपटॉप चाहिए पापा। लैपटॉप क्या होता है बेटी, खेलने वाला खिलौना है क्या? मेरी प्यारी बिटिया कभी कुछ मांगती ही नहीं, आज मांगी हो जरूर ला कर दूंगा। पिताजी लैपटॉप यानी खेलने वाला खिलौना नहीं पापा, वो एक कंप्यूटर होता है, उस पर बहुत कुछ सिखाते हैं। लोग जो हिसाब घंटों भर करते हैं वो कंप्यूटर कुछ क्षण में ही पूरा कर देता है। हाँ क्या, तेरी पढ़ाई के लिए ही तो है ना, कितना होगा बेटी बोलो, खरीद कर दूंगा। 50,000 कह रहे हैं पिताजी। क्या 50,000 रुपए? हमारे पास उतने पैसे नहीं है ना बेटी, हमसे नहीं हो पाएगा। चाहो तो पढ़ने के किताब दिलाऊंगा, इस साल वैसे ही पढ़ाई कर लो। कहती डिसअपॉइंट होकर विनी, ठीक है पापा, कहकर सो गई। अगले दिन स्कूल में टीचर, स्टूडेंट्स सब अपना लैपटॉप ला लिए ना, कोई नहीं लाए तो खड़े हो जाओ, कहती विन्नी खड़ी हुई। क्यों विन्नी, क्यों नहीं लेकर आई? सर वो बहुत महंगा होगा ना, हम नहीं खरीद सकते। मेरे फ्रेंड सुजी है ना, उसके लैपटॉप से मैं सीख लूंगी सर। क्यों विन्नी, तुम्हें भूख लगी तो सुजी खा ली तो तुम्हारा पेट भर जाएगा क्या? तुम नहीं खाओगी ऐसे ही भूखे पेट रहोगी क्या? उठो, उठकर बेंच पर खड़े हो जाओ। लैपटॉप लेकर नहीं आ सकते हो, ऊपर से इसका इस्तेमाल करेंगे उसका करेंगे कहते हुए बहाना बना रहे हो। उठो खड़े हो जाओ, कुर्सी पर खड़े हो जाओ, यही तुम्हारा पनिशमेंट है। कहने पर विन्नी बेंच पर खड़ी हो गई। इतने में उनका डीओ उनके क्लास में आया। क्यों सर, क्या हुआ, ये लड़की को बेंच पर खड़ा कर दिए, पनिशमेंट क्यों? ठीक से पढ़ाई नहीं कर रही है लड़की? नहीं सर नहीं, लैपटॉप नहीं लेके आई इसीलिए पनिशमेंट दिया हूँ सर। ठीक है बच्चों, मैं तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, आप क्या सीख रहे हैं, आपके सर आपको क्या पढ़ा रहे हैं, ये परीक्षा से पता चल जाएगा, तैयार रहो। हाँ सर। आंसर पता होने वाले हाथ उठाइए। आप लोगों के लिए मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछूंगा। एक टीचर हमारे देश के प्रेसिडेंट बने, उनका नाम क्या है? कहा तो सारे स्टूडेंट्स चुप थे, सिर्फ विन्नी ने हाथ उठाया। सर्वपल्ली राधाकृष्णन सर। वेरी गुड वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? फिर किसी ने हाथ नहीं उठाया, सिर्फ विन्नी ने उठाया। क्यों भाई ये क्या, ये पूरी क्लास में लगता है सिर्फ इसी को सब पता है, बाकी के सबको कोई जनरल नॉलेज ही नहीं है। बोलो बेटी कौन है फादर ऑफ कंप्यूटर? चार्ल्स बैबेज सर। वेरी गुड, एक और प्रश्न, तुम लोग कोई जवाब नहीं देगा, पता है विन्नी तुम बताओ, ह्यूमन कंप्यूटर का नाम प्राप्त करने वाली इंडियन वुमेन कौन है? शकुंतला देवी सर, कंप्यूटर से भी तेज हिसाब कर सकती है। शाबाश, तुम भी कंप्यूटर से बहुत तेज जवाब दे रही हो, तो फिर लैपटॉप क्यों नहीं लाई?
हम बहुत गरीब है सर, लैपटॉप खरीदे उतने पैसे हमारे पास नहीं है सर, कहते ही उसकी स्थिति समझ कर डीओ। ठीक है मुझे तुम्हारी स्थिति समझ आ गई। मेरे पूछे प्रश्न का उत्तर तुरंत दे दिया ना तुमने, तो तुम्हारे लिए एक बढ़िया सा तोहफा देने की सोच रहा हूँ। ये लो, ये नया लैपटॉप तुम्हारा गिफ्ट है। कहकर डीओ एक नया लैपटॉप विनी को गिफ्ट में दिए। इससे वो बहुत खुश हुई। अब वो लैपटॉप लेकर घर लौटकर अपने माता पिता को दिखाई। माँ पापा, आज हमारे स्कूल में हमारे डीओ जो प्रश्न पूछे उसका जल्दी जल्दी जवाब दी, इसीलिए मुझे ये लैपटॉप गिफ्ट में दिए माँ। शाबाश बेटा, शाबाश, तुम्हें लैपटॉप कैसे दिलाना ये सोचकर मैं परेशान हो रहा था। मेरी प्यारी बेटी, पापा का पूरी मुश्किलें हटा दी। इसी तरह अच्छे से पढ़ाई करके अच्छा नाम कमाओ बेटी, कहते हुए आशीर्वाद दिया। विन्नी अच्छे से पढ़ाई करके अच्छी इंजीनियर बन गई। एग ऑमलेट स्ट्रीट फूड। बंगाल में बर्मन नाम का एक बूढ़ा रहता था, वो स्ट्रीट फूड बेचता था। वो एग ऑमलेट बनाने में स्पेशलिस्ट था। लोग उसके दुकान के बाहर लाइन लगाते थे। आओ भाई आओ, एक ऑमलेट खाओ, गर्मा गर्म एक ऑमलेट। एक खाओगे तो बार बार खाओगे, डबल एक ऑमलेट खाओ, मजे से खाओ, आओ भाई आओ, कहकर बेचता था। लोग आकर उसके पास खाते थे और पैसे देकर जाते थे। ये सब देखकर उसका दोस्त शरद चंद्र, यार बर्मन इस उम्र में राम नाम जपते हुए घर में बैठकर जो बच्चे खिलाते हैं वो खाकर आराम से रह सकते हो ना, वो सब छोड़कर ये ऑमलेट क्यों बेचते हो यार? पैसों की इतनी लालच कि इस उम्र में भी तुम कमा रहे हो और घर बनाते जाओगे और अपने बेटे बेटी पोता पोती सबको देते जाओगे, वैसे इतनी तकलीफ क्यों उठाते हो यार? आराम से पांव पर पांव रख के बैठ के खा सकते हो ना। यार मेरी कहानी तुम्हारी कहानी की तरह नहीं है। मैं अगर हर रोज पैसे कमा कर घर ना ले जाऊं तो मेरी बहू मुझे खाना नहीं खिलाती, इसीलिए इतना मेहनत करना पड़ता है। ये सब पापी पेट का सवाल है भाई। अच्छा यार माफ कर देना यार, मैं नहीं जानता था कि तुम्हें इतनी मुसीबत है। तो फिर इतना तकलीफ उठाकर तुम उस घर में क्यों रहते हो? तुम बाहर आ जाओ और जो तुम कमाते हो उसके साथ तुम खुद आराम से जी सकते हो ना। उस घर में रहकर उससे इतनी सारी बातें क्यों सुनते हो? मेरी पोती पिंकी है ना, उसे मैं बहुत पसंद हूँ और मेरा बनाया हुआ एग ऑमलेट तो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद है। उसे हर रोज खाने में ऑमलेट चाहिए, बिना ऑमलेट के तो एक निवाला भी नहीं खाती है वो। जब तक मैं घर ना जाऊं वो बिना खाना खाए जिद करके बैठी रहती है। मेरे जाने के बाद जब ऑमलेट बनाकर देता हूं तभी वो खाना शुरू करती है। भाई ये दादा पोती की कहानी तो बहुत बढ़िया है, यानी उस छोटी सी बच्ची के लिए तुम इस उम्र में भी इतनी तकलीफें उठा रहे हो। ये तकलीफ तो कुछ भी नहीं है यार, घर पर अगर कोई हमारा इंतजार ना करे तो तकलीफ है, मुझे उसकी चिंता नहीं है। मेरी प्यारी सी गुड़िया, मेरी सोने की चिड़िया पिंकी मेरा इंतजार करती रहती है। ठीक है, आज तो तूने सारे ऑमलेट बेच दिए ना, अपने पिंकी के लिए कुछ बचा कर रखा भी कि नहीं? मैं अपने पोती के लिए नहीं बचाऊंगा क्या? ये देखो पहले ही बनाकर पैक करके रखा है। कहकर दुकान को बंद किया और पिंकी का ऑमलेट का पैकेट को हाथ में लेकर घर की ओर बढ़ने लगा। घर पहुंचकर घर के बाहर से ही बर्मन, पिंकी पिंकी बेटे, बेटा पिंकी, कहकर आवाज देने लगा तो बहू घर से बाहर आई और, क्यों इतना शोर मचा रहे हैं आप? वो निकम्मी आपसे मिलने के लिए आपकी दुकान पर आई थी ना? वो तो रास्ते में भी मुझे नहीं दिखाई दी, कहकर फिर पिंकी को ढूंढते हुए अपने दुकान की ओर चलने लगा, पर पिंकी उसे रास्ते में कहीं नहीं दिखाई दी। दुकान के पास जाकर देखा तो वहां पर भी पिंकी नहीं थी, तो वो वहीं बैठकर रोने लगा। तभी वहां से गुजर रहा पुलिस ने उसे देखा और उसके पास आया और, बर्मन चाचा आप क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? तब बर्मन ने अपने पोती गायब होने की बात उससे की। आप चिंता ना करो चाचा, मैं अपने आदमियों को भेजकर उसे ढूंढने के लिए कहता हूँ, आप चाहो तो तब तक आकर स्टेशन में बैठ जाइए। नहीं बेटा, मैं पिंकी का यही इंतजार करता हूँ, शायद वो मुझे ढूंढते हुए यहाँ आ जाए, कहकर वहीं उसकी प्रतीक्षा करने लगा। पुलिस वालों ने जीप में पिंकी को ढूंढना शुरू किया। इतने में एक चोर जो वहाँ से गुजर रहा था उसने बर्मन के हाथ में लिफाफा देखा और ये समझकर कि उसमें कोई कीमती चीज है वो बर्मन के हाथ से छीनने की कोशिश करने लगा।
अरे चोर, कमीने, छोड़ो, अरे छोड़ो इसे, चोर चोर कहीं के, कहकर उससे लड़ने लगा। तभी पिंकी वहाँ दौड़े दौड़े आई और एक डंडे से उस चोर को खूब मारा और उसके हाथ से फोन को छीन लिया। जैसे ही चोर नीचे गिरा तो उसके हाथ पांव बांध दिए। दादाजी, मैं आपके पास आ रही थी तो इसने मेरे हाथ से ये सेलफोन छीन लिया था। अगर मैं बिना सेलफोन के घर जाती तो माँ मुझे खूब मारती, इसीलिए मैं इसको ढूंढ रही थी, पर ये मुझे नहीं मिल रहा था, तो मैंने कहा देर हो रहा है तो आपसे मिलने के लिए दौड़े दौड़े आ रही थी। ये क्या बेटे, तुम इतनी रात को घर से बाहर क्यों निकली? मैं तो घर आ ही रहा था ना बेटे। अब देखो, यूं तुम घर से बाहर निकली तो कितनी मुसीबतें खड़ी हो गईं। मैं तो बाहर आपके लिए आई थी दादाजी। आप कह रहे थे ना कि आपका चश्मा काम नहीं कर रहा ठीक से, उसे ठीक कराने के लिए आई हूँ। मैं वो चश्मे का दुकान को फोन में ढूंढ रही थी। ये देखो, ये कमीना मेरा फोन छीन कर चला गया। चलो पहले इसे पुलिस के हवाले करते हैं, फिर चश्मे के दुकान में आपके लिए नया चश्मा खरीदते हैं। तभी पुलिस वहाँ आई तो पिंकी ने उस चोर को पुलिस को सौंप दिया और चश्मे के दुकान की ओर बढ़ने लगे। वहां पिंकी ने अपने दादाजी के लिए एक बहुत ही बढ़िया चश्मा खरीद कर दिया। बर्मन ने उसे पहना तो पिंकी बर्मन से, दादाजी आप ये नया चश्मा पहनकर बिल्कुल हीरो लगते हो, वैसे मेरे ऑमलेट कहाँ है, बहुत भूख लगी है दादाजी। तब बर्मन ने मुस्कुराते हुए पैकेट में से ऑमलेट निकाला और पिंकी को खिलाने लगा। पिंकी खुश होकर खाने लगी। बर्मन अपनी पोती को देखते हुए फूला नहीं समा रहा था।